कल से पूरे झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभियान शुरू हो चुका है और कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं जिनका उम्र 18 से ऊपर है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोविन जो पोर्टल है या आरोग्य सेतु से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनका अब वैक्सीन लग रहा है। और आज भी हम आपको, कल भी आपको हम खबर दिखाए थे कि किस तरह से लोग जो है सो वैक्सीन ले रहे हैं और पूरे झारखंड में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज भी हम आपको बता दें कि तकरीबन 50 लोगों का अभी तक समय जो है सो डेढ़ बज चुके हैं और अभी तक जो है सो लगभग 50 लोगों का वैक्सीन यहाँ पर हो चुका है। हर दिन 100 लोगों का वैक्सीन लगना है। इसके साथ ही हम आपको एक रिपोर्ट दे दें कि आज जो है सो बेंगाबाद से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जहाँ तक जानकारी है कि 1 मई से, अभी चूँकि आज 15 मई है, तो अभी तक कुल बेंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 110 हो गई है। वहीं अगर बात करें इससे पिछले महीने की, तो इसके पिछले महीने भी तकरीबन 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यानी स्थिति ये थी कि बेंगाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और आज भी लगातार अभी बढ़ ही रही है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप तमाम वो एहतियात बरतें जिससे आप कोरोना से बच सकें। और ज़रूरी ये है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको आप पूरी तरीके से पालन करें, चूंकि कल 16 तारीख है और 16 तारीख से 27 तारीख तक सरकार ने जो गाइडलाइन दिए हैं और जो गाइडलाइन आने वाले हैं उसको आप पूर्णतः पालन करें, चूंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए है, आपको बचना है। कितने लोगों का वैक्सीन हुआ है, क्या कुछ है, हम फिर से एक बार जानकारी लेते हैं। लगातार हम आपको चिकित्सा यहाँ के जो कर्मी हैं लगातार जो एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं उनसे हम लगातार आपको मिलवाते रहते हैं। हालांकि कोरोना का दौर है, सोशल डिस्टेंस भी देखना है, तमाम चीज़ें हैं। और हम आपको बता दें कि बेंगाबाद में जो है लोग आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन इनका होता है वो वैक्सीन जो है सो लगातार ले रहे हैं। अब तक जो आंकड़ा है वैक्सीन का, आज कल लगभग 100 लोगों का वैक्सीन हो गया था क्या? कल 100 में से 94 का हुआ था। अच्छा, और आज अभी तक 54 का हुआ है। 54 का हुआ। हाँ। अच्छा, जो वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं उसका पहले कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है? कल तक तो किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुआ तो उस बिल्डिंग में जिनको स्वेच्छा से कराना चाहते हैं, जो जिनको सिम्टम लग रहा है उसका हम लोग जाँच कर रहे हैं, जिनको सिम्टम नहीं लग रहा है उनको डायरेक्ट वैक्सीनेट करवा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट वैक्सीनेट करवा रहे हैं। तो अभी तकरीबन आज अभी 50 लोगों का हो गया। हाँ, 54 का। 54 लोगों का। तो अब ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है सो जो भी आएंगे, बहुत सारा डर है कि नहीं पहले मेरा जाँच होगा, तो बहुत ऐसे ऐसी बातें भी लोग, जाँच का सुविधा है अगर उनको इच्छा है तो कर सकते हैं। अगर लक्षण आ रहा है तो उसका हम करेंगे जाँच, और बिना एकदम स्वस्थ हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना जो पोर्टल है जो उसमें रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई वैक्सीन नहीं लिया जाए? अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं, ऐसा लिया गाइडलाइन? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब तक आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। और हम आपको यहाँ के चिकित्सा प्रभारी से भी मिलवाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है, चूंकि न सिर्फ बेंगाबाद में बल्कि गिरिडीह में भी, पूरे झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और लगातार जो है सो आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कोरोना कितना खतरनाक है इसको समझना बेहद ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, चूंकि डर के आगे जीत है। और अगर आप हौसला न बुलंद रखते हैं तो कोरोना को मात ज़रूर देंगे। चिकित्सा प्रभारी से मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कोरोना में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी और किल्लत देखा गया, कई ऐसे सिचुएशन आ गए, कई बार ऐसी स्थिति बनी जहां लोग ऑक्सीजन के लिए भी अपनी जान गंवा बैठे, ऐसे में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आम लोगों की सुविधा के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अभी कुछ दिन पहले ही बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बेंगाबाद के चिकित्सा प्रभारी। सर, आपको तो हम फिर से एक बार सैल्यूट करेंगे कि आप लोग वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं। अभी जो आपके यहाँ जो सुविधा है, जो आम जो जैसे सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है ऐसे में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है, वैक्सीनेशन का भी दौर जारी है, क्या कहना चाहेंगे? हमें निर्देश मिला था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में ऑक्सीजन वार्ड बनाने के लिए, ताकि कोई भी मरीज आए तो उसे और जिसे भी ज़रूरत हो ऑक्सीजन दिया जा सके। तो माननीय विधायक जी के पहल पर यहाँ पर 2 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का हमें मिला है, और ये हम यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर उसे वार्ड में तब्दील किए हैं और ये इस वार्ड में ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। अभी तक यहाँ पर कई मरीज आए हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, हम लोगों ने उन्हें दिया और वो सभी स्वस्थ हैं अब। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, काफ़ी संख्या में रोज़ यहाँ पहुँच रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। कल से हमारे बेंगाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन चालू हुआ है, तो कल लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, आज भी यहाँ चल रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग भी करवा रहे हैं, हर दिन यहाँ कई लोगों की
अच्छा, पॉजिटिव रिपोर्ट जो है, जैसे बताया था आपने कि नहीं, मई का जो आंकड़ा है बेंगाबाद का, वो तकरीबन 100 लोग पॉजिटिव। अप्रैल में यहाँ जो जांच हुआ था तो लगभग 3000 लोगों का जांच हुआ, उसमें से 100 लोग पॉजिटिव यहाँ पाए गए बेंगाबाद के। और अभी तक मई में जो जांच हुआ है, अभी आज 15 तारीख है, 15 दिनों में 110 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। तो ग्राफ जो है बेंगाबाद का लगातार बढ़ रहा है, और हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो भी कोरोना का नियम है उसे पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, साफ़ सफाई रखें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को काबू में कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल उठ जाता है कि जैसे बहुत से ऐसे जो युवा वर्ग हैं जो 18 से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, तो कोई कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव जब वो थे, अब धीरे धीरे मान लीजिए वो स्वस्थ हो गए हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं तो उन्हें 3 महीना का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 3 महीना तक पॉजिटिव होने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडीज आ जाता है, जो कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए 3 महीना के बाद ही उन्हें लेना चाहिए। अच्छा, तो एक बात हमें और बताइए कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लक्षण तो था कि उससे कोविड है, लेकिन ये उन्होंने कभी जाँच नहीं करवाया, तो उसे पता ही नहीं है कि अगर कि कोरोना है कि नहीं है, तो वैसे लोग क्या करें? जैसे उन्होंने जांच तो कराया नहीं, लेकिन उनके अंदर सिम्टम था कि खांसी, सर्दी, बुखार या सर दर्द, जो भी लक्षण कोरोना के होते हैं, वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस कोरोना महामारी में जहां भी बुखार है, खांसी है, सर्दी है, ये मान लिया जाता है कि वो कोरोना है, भले ही जब तक कि आप टेस्ट नहीं करा के क्लियर नहीं करें, मगर अगर वैसा है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सर्दी खांसी बुखार हुआ होगा और वो भी वैक्सीन ले रहे हैं। मगर अगर किसी को मालूम है कि उसे कोरोना हुआ है तो 3 महीना का गैप देना चाहिए। जी अच्छा, और लोगों को क्या कहेंगे आप, जो बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं, चूँकि गाँव के क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की अफवाहें हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और क्या संदेश होगा वैक्सीन को लेकर आपका? देखिए, अभी तक जितने भी कोरोना मरीज, सिर्फ बेंगाबाद नहीं, पूरे जहां भी निकला है, तो ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीन लिए हैं उनमें ज़्यादा सिम्टम नहीं आया है, बहुत मामूली सा बीमार पड़े हैं, और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए थे उनमें बहुत ज़्यादा गंभीर, इतना गंभीर हो गए वो कि उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ा, फिर कई लोग, जैसा सभी जानते हैं, बहुत लोग एक्सपायर किए हैं इसमें। तो अगर जो जिन्हें वैक्सीन लेने का मौका था वो नहीं लिए, वही लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी भी समय है, अभी भी महामारी चल रहा है, लोग आगे आएँ और बढ़ चढ़ के इस वैक्सीनेशन में का इस हिस्सा बने और वैक्सीन लें, ताकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े इस बीमारी का और आप सुरक्षित इससे बच सकें। अच्छा, ये अंतिम हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन, ये कोविड वार्ड इसको बनाया गया है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो ऐसे में अगर इस तरह की सुविधाएं हैं, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, तो सर यहाँ कितने लोग अभी तक ऑक्सीजन का लाभ ले चुके हैं? लगभग अभी तक लगभग 8-10 लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लगवाने के लिए, जिन्हें ज़रूरत था उन्हें लगाया गया है। और हमारा देखिए, अभी 2 जंबो सिलेंडर है, इसके अलावा 2 छोटा सिलेंडर भी था, वो ख़त्म हो गया, उसे हम लोगों ने आज गिरिडीह भेजा है मंगाने के लिए। मैं चाहूँगा कि यहाँ और भी लोग जिन्हें भी ज़रूरत हो यहाँ आएँ और ऑक्सीजन लें, और कोई तरह का भी यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ 24/7 यहाँ डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर हैं, यहाँ स्टाफ हैं और नर्स हैं, सभी यहाँ काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में। तो आप जो भी यहाँ की जनता है, यहाँ सब इनका सहयोग करें। यानी कोविड की जो सुविधा है बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में, दुरुस्त देखी जा रही है जनसंख्या के हिसाब से? जी, हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश है कि जहाँ तक हो सबका सेवा करें और इस कोरोना महामारी को ख़त्म करने में हम लोग काम करें। जी, बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको हम ग्रैंड सैल्यूट करते हैं, इसी तरह से आप सेवा करते रहिए। तो बेंगाबाद चिकित्सा प्रभारी, और उनका कहना है कि बेंगाबाद में आम जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लगे हुए हैं। आपको भी कोरोना योद्धा बनना है, आपको भी अपने घरों से बेवजह नहीं निकलना है, सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना है। कोरोना से हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वो तमाम एहतियात कदम उठाएं जिससे आप कोरोना से बच सकें। वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार भी कम होती दिखाई देने लगेगी। ज़रूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। समाधान इंडिया आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेगी। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।